हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने ब्लू स्टार का 2 टन यूनिट है। इसमें क्या है, कॉन्टैक्टर लगाया है। कॉन्टैक्टर की आप वायरिंग कैसे कर सकते हैं और कॉन्टैक्टर क्यों लगाया जाता है एसी में, मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉन्टैक्टर होता है किस पर्पज़ से लगा होता है। उसके बाद मैं वायरिंग बताऊंगा, फ़ैन की, कंप्रेसर की, प्लस कैपेसिटर की, हर एक वायरिंग एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। तो ये जो कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर ज़्यादातर जैसे कि कैरियर होती है, कंपनी कैरियर में लगा होता है, ब्लू स्टार में लगा होता है, कुछ बोल्टास के यूनिट है उनमें भी लगा होता है। बट अब तो नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ ज़्यादातर जो यूनिट आ रहे हैं वो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन आ रहे हैं, नॉन इन्वर्टर बंद हो गए हैं। नॉन इन्वर्टर में मतलब ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं, जो भी अब एसी असेंबल हो रहे हैं, एसी जो बन है वो इन्वर्टर मॉडल ज़्यादातर बन है। तो ये जो कॉन्टैक्टर होता है, पहले जो कॉन्टैक्टर आता था और ये जो कॉन्टैक्टर होता है वो किस पर्पज़ से लगा होता है। कॉन्टैक्टर इसलिए लगा होता है, इसमें क्या होता है, एक कॉयल होती है जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के जैसे है, ये कॉयल है, यहाँ पर ये कॉयल लगी होती है। कॉयल जो होती है वो यहाँ पर लाइन न्यूट्रल दिया जाता है और ये जो होता है एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगर कोई दिक्कत आए या फिर कुछ ज़्यादा हाई वोल्टेज आ रहे हैं या फिर वायरिंग आप उसमें अटैच है, कहीं भी वायरिंग अटैच है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगा होता है। तो कॉन्टैक्टर लगा होता है, कॉन्टैक्टर के अंदर एक स्प्रिंग होता है जो पुश होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो लगा होता है तो फिर वो प्रेस हो जाता है, वो पुश हो जाता है, उसके बाद ये सप्लाई आगे आती है। अगर ज़्यादा सप्लाई आती है, वोल्टेज ज़्यादा आते हैं या फिर वैसे वायर टच है तो ये जल जाता है इसके अंदर। आगे आपका कंप्रेसर में नुकसान नहीं होता है, कंप्रेसर आपका सेफ रहता है, इसलिए इस पर्पज से इस कॉन्टैक्टर का यूज़ होता है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कॉन्टैक्टर किस लिए यूज होता है, कि कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। तो अब मैं वायरिंग की बात करता हूँ। तो वायरिंग क्या है इसकी, सबसे पहले मैं कंप्रेसर के जो वायर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये कंप्रेसर की वायरिंग है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर लगा होता है जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे लिखा होता है CRS कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ओ, प्रोटेक्शन कवर क्यों देती है कंपनी, क्या रीज़न होता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाए। अगर पानी जाएगा तो वहाँ पे स्पार्किंग के चांसेस रहते हैं, सर्विस के दौरान या फिर बारिश होती है तब ये दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए प्रोटेक्शन कवर बहुत ज़रूरी है कंप्रेसर के ऊपर। तो इसका जो वायर है, ये रनिंग वायर है रेड वाला, और ये वाला जो वायर है वो कॉमन है, और बाकी ये जो है स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यहाँ पे जो है इंडोर से सप्लाई आई है, जो न्यूट्रल और लाइन, ये आप देख रहे हैं दो वायर आए हैं इंडोर से, इस कनेक्टर पे दिए जाते हैं न्यूट्रल और लाइन। उसके बाद जो है अर्थिंग का है, अर्थिंग भी ज़रूरी है क्योंकि अर्थिंग जो होता है बॉडी से अटैच होती है कंप्रेसर में, तो अर्थिंग भी आप ध्यान से लगाएं। तो न्यूट्रल वायर ये हो गया और लाइन ये, ये वाला जो वायर है लाइन वायर है, यहाँ पे क्या होता है जो अपनी इंडोर है, इंडोर की पीसीबी जो होती है, रिले होती है इंडोर की पीसीबी में लगी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है 3 मिनट के बाद वो सप्लाई आउट करती है कंप्रेसर को, तो उसके बाद जो है कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाती है, उसके बाद कंप्रेसर ऑन होता है। अब आते हैं वायरिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, ये हमारा रनिंग वायर है और ये हमारा जो है कॉमन है और ये वाला जो है स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो हमने कैपेसिटर पे दिया, ये 2 टन का यूनिट है। 2 टन के यूनिट में जो आपका कैपेसिटर का यूज होगा वो 55 का यूज होगा जो कैपेसिटर में 2 टन में यूज होगा। अगर आपका 1.5 टन है तो वहाँ 50 का यूज होगा, और अगर 1 टन है तो 45 का यूज होता है कंडेंसर का। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये है जो न्यूट्रल है और लाइन है, तो न्यूट्रल वायर जो है हमारा एक वायर ये आ जाएगा इस साइड, ध्यान रखना इस साइड। अब इस साइड क्या होगा, एक चीज़ और सुन लें आप, ये वाली जो कॉयल होती है आप उसमें टच होती है, जैसे कि आप मीटर लेंगे, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक नोप लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आएगा। तो एक साइड क्या होता है, इसके जो कॉन्टैक्टर की दूसरी एक साइड होती है वहाँ पे पूरी कॉयल आपस में अटैच होती है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर वायरिंग देते हैं, यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो पूरी यहाँ तक सप्लाई आएगी, तो इस तरीके से होता है। दूसरी साइड क्या होता है, इसके यहाँ दूसरी साइड कॉयल नहीं होती, मतलब ये वाली जो पत्ती होती है वो यहाँ नहीं होती, यहाँ पे कॉयल लगी होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ट्रांसफार्मर की तरह होता है, ये कॉयल लगी होती है। तो यहाँ पर दूसरी साइड अगर आप यहाँ पे मीटर लेंगे, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे, अगर उस पर एक नोप यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है अलार्म का साउंड नहीं आएगा, बट इस साइड आएगा। तो इस चीज़ का भी आप नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या, हमने न्यूट्रल दे दिया। अब आप चाहें तो न्यूट्रल इस साइड भी दे सकते हैं, उस साइड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल यहाँ आ गया, अपना लाइन यहाँ आ गया, ये वाला वायर ध्यान रखना, ये वाला न्यूट्रल है जो ब्लू वाला है, ये वाला वायर न्यूट्रल हमने इस साइड दे दिया, और दूसरा वायर
जो लाइन वाला है हमने इस साइड दे दिया कॉइल के इस साइड। लाइन न्यूट्रल यहाँ जब आएगा उसके बाद ही इसकी जो कॉइल है वो मतलब यहाँ तक सप्लाई मिलेगी, उसके बाद ही ये ऑन होगा। उसके बाद जो आपका कंप्रेसर है, जो कंप्रेसर ऑन होगा, इंडोर की जो पीसीबी है 3 मिनट के बाद सप्लाई आउट करती है, वो वाला जो वायर है हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ से जब सप्लाई मिलेगी और इसको सप्लाई मिलेगी, ये दोनों वायर हैं, ऐसा होता है ये नॉन इन्वर्टर है। और जो नॉन इन्वर्टर और भी इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन जैसे ही कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है सिग्नल वायर होता है, इसमें क्या है केवल लाइन न्यूट्रल है। तो इसलिए हमने जो फेस वाला वायर है लाइन एक इस साइड दे दिया है और वहीं से वायर निकल के गया है सीधा हमारा ये रेड वाला इस साइड। ठीक है, वैसे क्या होता है लाइन न्यूट्रल और फिर उसके बाद सिग्नल वायर होता है कम्युनिकेशन, जिससे हम इंडोर की पीसीबी जो सप्लाई आउट करती है 3 मिनट के बाद वो वाला वायर। अभी क्या है हमारा ये वाला वायर है वो केवल लाइन न्यूट्रल है, तो इसलिए तो न्यूट्रल हमारा यहाँ आ गया और उसके बाद लाइन वाला जो वायर है वो यहाँ आ गया, लाइन न्यूट्रल इन दोनों साइड आ गए। ठीक है, कॉन्टैक्टर के। अब उसके बाद जब हमारा ये वाला वायर है जो लाइन वायर है हमने इस साइड दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर से जब सप्लाई आएगी इंडोर की जो पीसीबी है सप्लाई आउट करेगी, उसके बाद ये वाला जो वायर है वो यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी, जो हमने कंप्रेसर का ये वाला रनिंग वाला वायर दिया, रनिंग वाला वायर हमने कंप्रेसर को इस साइड दिया है, जिससे कि ये आप देख रहे हैं रनिंग वाला जो हमने वायर दिया है वो इस साइड। उसके बाद यही वायर गया है कैपेसिटर में रनिंग, यहाँ रनिंग कैपेसिटर में। इसको जब सप्लाई मिलेगी कंप्रेसर, जब इंडोर की पीसीबी सप्लाई आउट करेगी उसके बाद यहाँ पर कंप्रेसर में सप्लाई आ जाएगी, ऑन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है वो पुश हो जाता है, उसके बाद पूरे कॉन्टैक्ट में सप्लाई आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका कंप्रेसर है फैन है वो दोनों ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर, ये हमने लाइन न्यूट्रल ही आ गया, लाइन ही आ गया। उसके बाद एक लाइन वायर और है, ये हमने यहाँ दे दिया, मतलब कॉइल पे देना जरूरी है, लाइन न्यूट्रल यहाँ जरूर देंगे। ये वाला वायर आप चाहे तो इधर दे सकते हैं और ये वाले वायर उधर दे सकते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी, जो पीसीबी है सप्लाई आउट नहीं करी तब तक यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी, ये वाला जो वायर आपने दिया है यहाँ तक। उसके बाद जब यहाँ सप्लाई आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे जो अपना वायर है वो आप उसमें ये टच हो जाएगा जब अंदर से, उसके बाद सप्लाई यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका कंप्रेसर है फैन है दोनों चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये है अपना लाइन न्यूट्रल फैन का, हमने न्यूट्रल यहाँ दिया है फैन का और लाइन यहाँ दिया है, बाकी कंडेंसर जो है इसका वो उस साइड है फैन के, वो मैं दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे फिलहाल क्लियर है। अब जैसे ही सप्लाई यहाँ से इंडोर की पीसीबी आउट करती है ये दोनों चल जाएंगे, कंप्रेसर भी आपका फैन भी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा जो मेन सप्लाई इंडोर की सप्लाई जो आई है न्यूट्रल लाइन यहाँ पे आ गया, उसके बाद न्यूट्रल लाइन हमारे यहाँ है इस साइड, उसके बाद न्यूट्रल जो वायर गया है वो हमारा इस साइड गया है और कंप्रेसर का भी न्यूट्रल यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद रनिंग वाला जो वायर है वो इस साइड आ गया और इसका जो मेन सप्लाई का रनिंग है वो हमारा इस साइड चला गया, ये वाला वायर रेड वाला वायर है आप देख रहे हैं, और दूसरा वाला वायर है जो हमारा इस साइड पत्ती पे दूसरी पत्ती पे चला गया कॉन्टैक्टर की। ठीक है, इस कॉइल पे आ गया है, वहीं पे हमने क्या करा है फैन का न्यूट्रल और लाइन भी दे दिया है। उसके बाद जब सप्लाई आएगी तो यहाँ से ऑन होके ये सप्लाई यहाँ मिल जाएगी, उसके बाद कैपेसिटर को जाएगी, उसके बाद कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो सिंपल वायरिंग है, ज़्यादा टफ नहीं है, न्यूट्रल यहाँ आ गया, स्टार्टिंग वायर यहाँ आ गया कंप्रेसर का, रनिंग वाला वायर यहाँ पे आ गया जो कॉन्टैक्टर से आया रनिंग वाला वायर, और उसके बाद हमने जो कंप्रेसर का रनिंग है वो हमने इस साइड दे दिया। उसके बाद जब ये ऑन होगा तो ये ऑन होके उसके बाद यहाँ पर सप्लाई आपकी कंटिन्यू चलेगी। वायरिंग बहुत सिंपल है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं, आप कर सकते हैं। बस क्या है ये तीनों वायर का ध्यान रखना है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ये तीनों वायर है, इसके बाद ये कंप्रेसर का जो रनिंग वाला वायर है यहाँ आ जाएगा और न्यूट्रल हमने यहाँ दे दिया ऑलरेडी, कोई दिक्कत है नहीं, स्टार्टिंग वाला वायर यहाँ आ गया। फिर यहाँ से जब ए वाला जो वायर है जो लाइन वायर है हमने यहाँ से दिया, दूसरे वाले जो ये रेड वाला देख रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ये यहाँ से दो वायर निकल के गए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक ये इस साइड और एक इस साइड, मतलब एक इस साइड गया एक इस साइड। जब यहाँ से सप्लाई आ जाएगी पीसी सप्लाई आउट कर दी, यहाँ से फिर सप्लाई ये पुश हो जाएगा, उसके पुश होने के बाद यहाँ से जो है इधर सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वायरिंग है। उसके बाद इसका मैं कंडेंसर दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है फैन का जो कैपेसिटर है वो नीचे लगा है, आप देख रहे हैं नीचे की साइड लगा है, और इस फैन में जो कैपेसिटर लगा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने UF का लगा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 UF का लगा है ये जो कैपेसिटर है, बाकी इसके जो एम्पेयर है वो लगभग आधा एम्पेयर, और ये RPM में 690 RPM में है आपकी मोटर। तो इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।